23 को मोहन नगर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि जो ग्रीन चौक में एक धान के व्यापारी हैं अखिलेश गुप्ता, उनको कुछ ईडी के अधिकारी लोगों ने अपने साथ लेकर के गए हैं और उनके यहाँ से कुछ कैश भी अपने साथ लेकर के गए हैं। मामले के बारे में जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तत्काल सीसीटीवी वगैरह फुटेज और टेक्निकल इनपुट्स निकालना चालू किया। एडिशनल एसपी सिटी और सीएसपी दुर्ग तत्काल राजनांदगांव की तरफ, जहां वो लोग बढ़े थे उसी तरफ वो लोग ही गए। जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता थे उसको भी टीम अपने साथ लेकर के गई थी, बट उनको फिर आधे रास्ते में राजनांदगांव ज़िले में उन लोगों ने उतार करके खुद आगे चले गए और इनको वहाँ पे छोड़ दिया। तो इनसे संपर्क हुआ पुलिस का, तो पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से गिरीश वलेचा नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को किसी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताता था। इसने इनके साथ में लगभग 2 हफ्ते पहले संपर्क किया था और संपर्क में इसने यही बताया था कि मैं बड़ी कंपनी के माध्यम से आपको बिजनेस में व्यापार में फ़ायदा दिला सकता हूँ, आपको कुछ कैश पैसे हमको दिलवाने पड़ेंगे, इन पैसों को मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कराऊंगा और इन्वेस्ट कराने पर हमको आपको इस व्यापार से लाभ मिलेगा। ये लोग उनके साथ संपर्क में आए और जैसे बातचीत वगैरह हुई, डील वगैरह हुई, तो ये लोग उनके झांसे में आ गए और उनको विश्वास हो गया कि ये सही बात बोल रहे हैं। तो 27 तारीख को ये डील हुई कि ये कैश अपने जो ऑफिस है वहाँ पर इनको देंगे। ऑफिस में ये लोग 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर के कैश इनको प्रोवाइड कराया था, उसमें से रविंद्र यादव जो उनके सहयोगी हैं उन्हीं के माध्यम से गिरीश जो है इनके संपर्क में आया था। उसके बाद फिर जिस दिन कैश की डील होनी थी अचानक से कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर उनके ऑफिस में पहुँचे, अपना आई कार्ड दिखाया और दुकान को सर्च करने के बहाने जो इनके पास 2 करोड़ की रकम थी उसको इन लोगों ने जब्ती बनाया और रकम को और प्रार्थी को दोनों को अपने साथ लेकर चले गए। राजनांदगांव में जब हमको ये बात पता चली तो ये समझ में आ गया था कि इनके साथ ठगी की घटना हुई है। तत्काल हमारी सारी टीम्स एक्टिव हो गई। विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा सीएसपी साहब ने तत्काल वो जहाँ रुके थे उनके रुकने के स्थान से उनका पहचान पत्र वगैरह निकलवाया। पहचान पत्र निकालने के बाद उसके बारे में थोड़ा टेक्निकली सर्च किया। सर्च करने पे ये पता चला कि जो गिरीश वालेचा है ये मुंबई के किसी अपराध में पहले भी आरोपी रहा है और जेल जा चुका है। तुरंत मुंबई पुलिस में जो गोरेगांव पुलिस थाना है वहाँ पे संपर्क किया गया, वहाँ पे इसका फोटो भेजा गया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये वही व्यक्ति है जो उनके यहाँ कुछ दिन पहले इसी तरीके की ठगी के मामले में जेल गया था। वहाँ सीबीआई ऑफिसर बनकर इन लोगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था और अभी वो बेल पे बाहर हुए थे। उनसे संपर्क कर ये पता चला कि ये जो है पूरा गैंग है और ये लोग मुंबई, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। तुरंत हम लोगों ने टीम बनाई, 2 अलग अलग टीम बना करके एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब के नेतृत्व में तत्काल मुंबई के लिए रवाना किया। मुंबई पहुँच करके मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में आई ये लोग, संपर्क करके एक एक व्यक्ति की जो लोकेशन है वो हम लोग लगातार फ़ोन का लोकेशन भी निकाल रहे थे, तो उनके एड्रेस पे और लोकेशन के बेस पे हम लोगों ने अलग अलग ठिकानों पे छापामारी की। छापामारी करने पे सबसे पहले हम लोगों को जो 2 प्रमुख मास्टरमाइंड थे गिरीश वलेचा और हामिद, ये दोनों हम लोगों को हमारे हाथ लग गए। गिरीश वलेचा वही व्यक्ति है जो एजेंट बन करके यहाँ पर आया था और हामिद जो है ये इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है जो कि इस तरीके के पूरे एक तरीके से एक पूरी टीम उसने बना रखी और अलग अलग इलाकों में वो उनसे ठगी घटनाएं कराता है। इन दोनों के मिलने के पश्चात इनसे पैसे की रिकवरी का प्रयास किया गया। शुरुआत पे हमको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, शुरू के 2 दिन में हमको 20 लाख रुपए रिकवर हुए थे। उसके बाद फिर बाकी साथी, क्योंकि उनको लगता है उनको शायद भनक लग गई थी कि पुलिस इनके पीछे आ गई है, सबने मोबाइल नंबर अपना बंद कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी वेचना पतासाजी जारी रखी। वहाँ पे फील्ड पे भी हमको इनपुट्स मिल रहे थे और यहाँ साइबर इनपुट्स भी मिल रहे थे। इनके बेस पे हम लोगों ने बाद में फिर इनके और साथियों को भी पकड़ा और सभी साथियों से लगातार हम लोगों ने रकम की रिकवरी का प्रयास किया। तो हम लोगों को फाइनली इस घटना में 8 जो व्यक्ति यहाँ आए थे
उनको पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही साथ गिरीश वरेचा की जो वाइफ है नगमा, वो भी इसमें को कॉन्स्पिरेटर थी, हालांकि वो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो वहाँ रह करके जो भी पैसे इनको मिलते थे, जो पैसे आते थे, उसको ठिकाने लगाने का काम करती थी, उसको भी हम लोगों ने अक्यूज बनाया है अपने आरोप अपने अपराध में, उसको भी कस्टडी में लिया गया है। कुल 1,25,16,000 के आसपास की नकदी अभी जब्त हुई है। 2,00,000 के ऊपर की ज्वेलरी हमने जब्त की है, जो इन लोगों ने तत्काल उस रकम से खरीदी थी। इनके पास से जो फर्जी आई कार्ड थे ईडी के सीबीआई के, वो भी हमको जब्त हुए हैं। जो 2 गाड़ियां यहाँ इन लोगों ने उपयोग की थी, स्कॉर्पियो और आर्टिगा, दोनों हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और फर्जी नंबर प्लेट्स मिले हैं, आप देख सकते हैं कि पीली बत्ती भी, जो ये अपने आप को पुलिस का या एनफोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बता करके चलते थे, तो बत्ती भी है। और फर्जी मीडिया का भी आईडी वगैरह इन्होंने रखा है, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती थी तो इसका भी इस्तेमाल करते थे। अब इस केस में जो प्रमुख सवाल था कि महाराष्ट्र से ये गैंग छत्तीसगढ़ कैसे आया, तो महाराष्ट्र ये गैंग जो है अलग अलग इलाकों में हमेशा सक्रिय रहता है, और बेंगलोर में, महाराष्ट्र में ऐसे ही सीबीआई अफसर और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी बनकर इन्होंने ठगी का किया भी है, और कई जगह प्रयास भी किया है और असफल रहे हैं। तो जो ये पूरा बिजनेस का मॉड्यूल इन लोगों का था, उसमें कुछ एजेंट्स की भूमिका होती है। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र गोंदिया साइड के एक एजेंट को पकड़ा रैंडमली, जिसका नाम गजानंद है। गजानंद से बोला कि हमको कुछ क्लाइंट्स की तलाश है, जिनका पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका कमीशन हम भी हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो गजानंद ने अलग अलग महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों से संपर्क कराया, और गजानंद का छत्तीसगढ़ में भी कुछ एजेंट से संपर्क था, उसने यहाँ के एजेंट से संपर्क कराया, और यहाँ के एजेंट्स ने फिर जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता जो पीड़ित हैं, उनसे इनका संपर्क कराया। तो ये पूरा चेन बना, जिसमें महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक का लिंक बना। हम लोगों ने इस मामले में जितने एजेंट्स हैं, सबसे विस्तृत पूछताछ की, सबकी पूरे मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सबका डॉक्यूमेंट्स खंगाला है, लेकिन इनका इस अपराध में कोई संलिप्तता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं मिला है। मुंबई पुलिस से भी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने एक केस में इनको पहले ऑलरेडी आरोपी बनाया था, वहाँ से भी हम लोगों ने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं। तो ये लोग एक गैंग के तौर पर काम करते हैं, गैंग संभवतः और बड़ा है। अभी भी हम लोग 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, वो 3 अभी फरार हैं। हमारी टीम अभी भी उनको तलाश करने के लिए है, रुकी है, तो हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात और भी कुछ रिकवरी हमको मिल जाएगी। इस पूरे कार्रवाई में एडिशनल एसपी साहब ने, सीएसपी दुर्ग ने और प्रभात ने मिलकर के बहुत अच्छे से टीम को लीड किया है इन लोगों ने, और साथ साथ डीएसपी क्राइम राजीव शर्मा साहब ने, इन लोगों ने फील्ड पे भी पूरे टीम का मार्गदर्शन निर्देशन किया, साथ साथ साइबर इनपुट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिससे कि हम लोगों को मतलब ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरीके की घटना में गैंग को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन घटना के मुश्किल से 6 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पूरी गैंग को आइडेंटिफाई कर चुके थे। बस हमको समय लगा मुंबई पहुंचना और उनके लोकेशन को मिलना, बट फिर भी पहले 30 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो 2 मुख्य इसके आरोपी हैं उनको हम लोग पकड़ चुके थे, उनको कस्टडी में ले चुके थे, और उनसे फिर हम लोगों ने रिकवरी की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑपरेशन रहा, जिसमें हम लोगों को काफ़ी बड़ा अमाउंट जो ठगी में गया था रिकवर करने में सफलता मिली है। लगभग 60% हमने रिकवर कर लिया है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी लेंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ और भी हम इनसे रिकवरी कर पाएंगे। इनके काफ़ी सारे बैंक जो खाते हैं उनको हम लोगों ने फ्रीज कराया है, क्योंकि कुछ ठगी का पैसा इनके खातों पर भी गया था।